वेलकम टू मंदारण एकेडमी। आज का हमारा जो चैप्टर है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज दिस चैप्टर इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एज यू नो दैट ट्रिग्नोमेट्री इज यूजफुल फॉर डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्री इज यूजफुल फॉर इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री इज हेल्पफुल फॉर लिमिट, ट्रिग्नोमेट्री इज हेल्पफुल इन फंक्शन। सो बहुत सारे ऐसे चैप्टर में है जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। इवन इन सीक्वेंस एंड सीरीज मैनी ऑफ द क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। सो दिस इज सो कॉल्ड एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन। ठीक है, इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस सम बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड आई विल टेल यू सम स्मार्ट टिप्स, सम स्मार्ट टेक्निक्स एंड सम स्मार्ट अप्रोच हाउ टू अप्लाई दीज बेसिक्स। बिकॉज इफ यू रिमेंबर दीज बेसिक्स द स्टडी वुड बी ईजियर फॉर यू, यू वुड सॉल्व द क्वेश्चन क्विकली एंड फास्टर देन यूर कंपिटेटिव स्टूडेंट, बिकॉज यू नो द बेसिक वेरी वेल। So I request you to write down all the basics. This is basics for the 11th one. After that we will discuss the formula for 12th standard. But मैं ऐसा कहूँगा कि 11th के आप अच्छे से कर लो, क्योंकि अगर आपका 11th क्लियर नहीं है ट्रिग्नो तो 12th के आप प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर 11th स्टैंडर्ड। सो लेट्स बिगिन। सो बेसिकली जनरली जब एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, एक ट्रायंगल में हमको क्या क्या मिलता है, दिस इज द 90 डिग्री, ये है ए, ये है बी, ये है सी। सो बेसिकली इन 90 डिग्री ट्रायंगल वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, इफ इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल देन ओनली ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल। ट्रिग्नोमेट्री तभी अप्लाई होती है देन व्हेन देयर इज एटलीस्ट नहीं बोलेंगे, एक ही एंगल होना चाहिए जो 90 डिग्री है, बाकी ये कितना भी रहे चलेगा, ये 45 रहे, 30 60 रहे, इट डजेंट मैटर। ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल व्हेन इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कैन आई से समथिंग? यस, देर आर सम रेशियोज। द फर्स्ट रेशियो इज साइन थीटा। डू मीन बाय साइन थीटा? इट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो पहले एक एंगल ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज माय थीटा, तो इसके अपोजिट में कौन है, ए बी, और हाइपोटेनस मतलब क्या, द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, दैट इज एसी। सो हाउ मेनी रेशियोज आर पॉसिबल? द वन रेशियो इज अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, द नेक्स्ट वन इज एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। सो एडजेसेंट कितना है, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। ठीक है, सो दिस इज हाउ अपने पास दो रेशियो आ गए, साइन थीटा कॉस थीटा। टैन थीटा कैसा होता है आप सभी को पता है, टैन इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। सो साइन अपॉन कॉस क्या आएगा, देखो मैं लिखता हूं ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, इधर जाएगा बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसल, आ जाएगा ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, सो वॉट इज टैन थीटा, टैन थीटा को हम कह सकते हैं अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। साइन कॉस टैन के रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं, सही सोच रहे हो, कोसेक सेक कॉट। सो द रेसिप्रोकल आर कोसेक सेक कॉट। तो कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है इसका रेसिप्रोकल, मतलब हाइपोटेनस ऊपर अपोजिट नीचे, और यहां पे एडजेसेंट नीचे हाइपोटेनस ऊपर। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। ठीक है, हैव अ नोट ऑफ इट। जो नेक्स्ट फंडामेंटल है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। द फर्स्ट वन इज साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, मतलब कैन आई से 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर, और साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। नाउ देर आर सम एप्लीकेशंस।
सो लेट्स हैव अ लुक इन द क्वेश्चन. देर वुड बी अ लिटिल बिट अपडेट. कॉस स्क्वायर उधर भेजो तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. और आई कैन से दैट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. यहां तक भी बात खत्म होती नहीं. सोचो क्यों खत्म नहीं होती. बिकॉज 1 को मैं 1 का स्क्वायर बोल दूं तो आपको कोई दिक्कत. कैन आई से 1 एज अ 1 स्क्वायर, यस और नो? यस. कैन आई से दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? सो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी. सो आई कैन राइट 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर. 1 स्क्वायर इज 1 ना. सो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा. तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा. इधर जाएगा 1 प्लस साइन थीटा. सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला आई हैव डिराइव्ड टू कंक्लूजन. दैट इज कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन. साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस. सो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड. इन मैनी टाइम्स इन इंटीग्रेशन चैप्टर, इंटीग्रेशन इज अ वेरी बिग चैप्टर, यू वुड फाइंड सच टाइप ऑफ थिंग्स. सो अगर ऐसा आया तो आपको जजमेंट आना चाहिए कि साइन स्क्वायर के बराबर है. जनरली आपके फॉर्मूला के बुक्स में ये सारी चीजें नहीं दे रखी हैं, बट एज अ गुड टीचर इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू ऑल द बेसिक्स. सो हैव अ नोट ऑफ इट. अगला जो है इसी में 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर. तो मतलब मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है. ठीक है, अब आपको दो चीजें पता चल गई. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है. ठीक है, बट कौन से 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रखना है और कौन से 1 की जगह सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर रखना है, ये क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है. समझ में आ रही बात? जब क्वेश्चन आएगा तब हम देखेंगे. एक और फीलिंग देखो. फीलिंग आ रही है कोई? सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी. और इसी तरीके से मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया. थर्ड फॉर्मूला देखते हैं. 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोजेक स्क्वायर एक्स. सो 1 को मैं बोल सकता हूं कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा. तो इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है. Have a note of it. You can write it as cosec minus cot times cosec plus cot. I think अभी आपको आ रहा होगा कि ऐसा करना है. So have a note of it. हमारे पास एक सर्कल को मेजर करने के दो पैरामीटर हैं. एक तो हम पूरे सर्कल को 360 डिग्री कह सकते हैं, दूसरा हम उसको 2 पाई कह सकते हैं. अब इसके बारे में आपको क्लियर करता हूं व्हाई आई कैन से इट इज अ 2 पाई. व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल? सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है पैरामीटर, मतलब कि बाउंड्री. इट इज 2 पाई आर ना? हाँ या ना बोलो? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मतलब कितना? 360 डिग्री ना. सपोज मैं यहां से जा रहा हूं 1 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री, यहां पे 180 डिग्री, यहां पे 270 डिग्री, तो यहां तक 360 डिग्री आएगा. तो 360 डिग्री इज टोटल सर्कमफ्रेंस, 2-2 कट. तो 180 आ गया हमारा पाई आर. सो पाई आर इज इक्वल टू 180. सो वी कॉल इट एज 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रेडियन सिस्टम आ गया. सुन लो, मेरा ऐसा कहना है कि रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन करते समय हम पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री क्यों लेते हैं? उसका एक रीजन है जो कि यहां पे था. ठीक है, बट एनीवेज इसको जाने दो. मैं जो बता रहा हूं अभी वो सुनते जाओ. एंगल्स को हम दो मेजर में रिप्रेजेंट करते हैं, एक है डिग्री
दूसरा है रेडियन। रेडियन में क्यों करते हैं वो ये रीजन था, ठीक है। अगर आपको समझा ओके, नहीं समझा इट्स ओके। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि 360 डिग्री में ये हमने बांटा है, ठीक है। 1 degree, 2 degree, 3 degree, एक सर्कल थ्रो 360 इक्वल पार्ट्स में हमने बांटा है। अगर हम चाहते तो ये 180 डिग्री पूरा सर्कल भी हो सकता था ना, हाँ, 45 45 45 45, चार स्लॉट बनाते थे ना। पर ये हमने माना है, हमने अज्यूम किया है कि पहला क्वाड्रेंट जो है ना इसके 90 पार्ट्स, दूसरे क्वाड्रेंट के 90 पार्ट्स, फिर 90, फिर 90। हमने ऐसा सोचा कि 360 पार्ट्स में सर्कल डिवाइड करें, ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। बट आप ये नोटिस करोगे कि 180 डिग्री को क्या बोल सकते हैं, पाई रेडियन बोल सकते हैं। समझ में आ रही है बात? सो रेडियन इज अ परफेक्ट मेजर। दूसरी बात, पाई उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, इधर बचेगा 1 रेडियन, इधर आ जाएगा 180 अपॉन पाई, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री डेटा कन्वर्ट करेंगे। सो सपोज कर लो, इफ यू हैव सपोज पाई बाय 2 रेडियन, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब मुझे एक बात बताओ, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई निकालना पड़ता है, तो पाई नीचे 180 ऊपर, ऐसा करने से पाई पाई कट, इधर आ गया 90 डिग्री। समझ में आ रही है बात? रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन में क्या होता है, 180 अपॉन पाई से इंटू करते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से वी हैव 3π/2। 3π/2 रेडियन को डिग्री में बनाओगे तो क्या करेंगे, 3π/2 इंटू 180 अपॉन पाई, ये कितना आ जाएगा, 270 डिग्री, ठीक है। दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आपको कन्वर्ट करना है 2π/4 करके देखो कन्वर्ट क्या आ रहा है। 5/6 ले लो, 5/3 ले लो, ठीक है। हैव अ नोट ऑफ इट, फिर आगे मूव करते हैं। अच्छा, डिग्री टू रेडियन कैसे आएगा, डिग्री टू रेडियन कैसे आएगा, सिंपल। सपोज कर लो 90 डिग्री है, जब आप 90 को पाई बाय 180 चिपका दोगे तो वो क्या बन जाएगा, रेडियन। सो इट इज पाई बाय 2 रेडियन। गॉट इट, समझ में आ रही है बात? नाउ यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, एंड दैट इज From now onwards, we will use the radian measure. Whenever you see 90 degree now, we will write it as pi by 2. Because, अब हम बड़े हो गए, अब सारे calculation radians में हो गए. Degree ये हमने develop किया, but naturally pi के terms में represent करना, it's a better approach. ठीक है? So, radian to degree के लिए क्या करना पड़ता है? 180 ऊपर, pi नीचे, multiply कर दिया, तो वो degree में convert हो गया. डिग्री को रेडियन बनाना है तो पाई बाय 180 चिपका दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में? फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल यूज 99% ऑफ टाइम रेडियंस, बिकॉज इन द एग्जामिनेशन यू वोंट गेट मार्क्स इफ यू यूज इन टर्म्स ऑफ डिग्री, और हैबिट डाल लो भी। चलो दो तीन और क्वेश्चन ले लेते हैं। समझो आता है 270 डिग्री, 270 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो 270 है इसको पाई बाय 180 चिपका दोगे, डिग्री है ना यहाँ पे, जब इसको पाई बाय 180 चिपका देंगे तो ये बन जाएगा रेडियन। तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 times 1 time, देखो मैच हो रहा है ना। अच्छा, 45 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 45 को क्या चिपका देंगे, पाई अपॉन 180, तो ये क्या बन जाएगा, ये रेडियन बन जाएगा। 45 1 ज़ा 45 4 ज़ा पाई बाय। तो बस एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इन्हें कर लो। 135 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री, तीसरा है 210 डिग्री, नेक्स्ट इज 720 डिग्री। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। आई होप आप कर लोगे, इतना कुछ खास नहीं है। 150 डिग्री,
ठीक है, कर लो कन्वर्ट। जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे ना वो है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की साइंस बदलती है क्वाड्रेंट वाइज। सो लेट्स से वी हैव अ सर्कल, ओके, डू यू नो हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स आर देयर? यस, देयर आर फोर क्वाड्रेंट्स। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ वन। सो इसको बोलते हैं ऑल, इसको बोलते हैं सिल्वर, इसको बोलते हैं टी, इसको बोलते हैं कप। दूसरा, इसका दूसरा नाम भी है ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी या फिर ऑल सिल्वर टी कप। अब समझ लो ये जो हमने मेमोनॉमिक्स यहाँ पे रखा है इसका यूज क्या है। इस ऑल का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल आर पॉजिटिव। अब आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या फिर रेशियो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे कैसे रहते हैं, पॉजिटिव। और इसको हमें प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं है ना, चेक कर लो साइन 30 डिग्री कितना होता है। टेबुलेशन तो हमने पढ़ ही रखा था 10 में, साइन 30 हाफ, साइन 60 रूट 3 बाय 2, साइन 91, साइन कॉस 10, कोसेक सेक कॉट, 0 से 90 डिग्री के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में क्या है, पॉजिटिव है। सो ऑल आर पॉजिटिव मीन्स साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट, ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है। अगली चीज की जो हम डिस्कशन करेंगे वो है सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब क्या, सिल्वर। मुझे बताओ एस से क्या स्टार्ट हो रहा है इन तीनों में से, साइन ना। तो साइन, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, ठीक है, ये रूल है। और इसका कैलकुलेशन से या टेबुलेशन से भी आपको पता चल जाएगा, यूनिट सर्कल में ट्रायंगल बना के भी आप चेक करोगे तो यही मिलने वाला है। सो इन शॉर्ट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, भले ही आप इसको ट्रायंगल बना के सॉल्व करो या फिर डायरेक्टली कैलकुलेट करो फॉर्मूला से, बट ये ऑल सिल्वर टी कप यही पैटर्न रहने वाला है, बदलने वाला नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस पैटर्न को आप बाय हार्ट करें। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट का बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, टी, टी स्टैंड फॉर टेन। सो टेन, टेन का रेसिप्रोकल बताओ कॉट, टेन कॉट क्या होगा, पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, देयरफॉर रेस्ट आर नेगेटिव, ठीक है। फोर्थ पढ़ो, द फोर्थ वन इज, द फोर्थ वन इज कप, कप स्टैंड्स फॉर सी, तो सी मतलब कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव, तो रेस्ट वन आर नेगेटिव। तो हमने ज्ञान की बात ये सीखी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, बाकी कॉस टेन सेक कॉट नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव साइन कॉस सेक कोसेक नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, इफ यू कंसिडर कॉट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव, तो कॉट क्या होगा, नेगेटिव आएगी वैल्यू, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन इन ऑल द क्वाड्रेंट्स, ठीक है, हैव अ नोट ऑफ इट।